दोस्तों, अगर आप भी हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार में हर्षदीप सिंह को सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में हर्षदीप सिंह को खालिस्तानी बोलने पर भड़क गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी बोलने वालों पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हर्षदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतर गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ी समस्या हर्षदीप सिंह के लिए देखने को मिली। जी हां, इस मुकाबले में जब 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की टीम मैदान पर आई तो पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 14 रन की पारी खेली, तो वहीं मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर 73 रन की साझेदारी की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने 71 और मोहम्मद नवाज ने 42 रनों का योगदान दिया और अंत में हर्षदीप सिंह ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों 18वें ओवर में जब रवि बिश्नोई की गेंद पर डीआरएस विवाद हुआ तो डीआरएस विवाद की अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने आसिफ अली को फिर से परेशान किया। लेकिन इस बार आसिफ अली गेंदबाज के चंगुल में आ गए और हवा में शॉट खेल बैठे। लेकिन नीचे खड़े फील्डर हर्षदीप सिंह ने आसान सा कैच आसिफ अली का छोड़ दिया और जहां आसिफ अली बिना खाता खोले खड़े थे, लेकिन जले पर नमक छिड़कते हुए आसिफ अली ने आगे चलकर 8 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन की पारी खेली, जो कि उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी और भारत को मुकाबले में पीछे ढकेल दिया, जिसके कारण मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में सोशल मीडिया पर लोगों ने हर्षदीप सिंह के छोटे से साधारण कैच छोड़ने को लेकर बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया और यहां तक कि कुछ लोगों ने हर्षदीप सिंह को खालिस्तानी बोल दिया। लेकिन इसी के बीच खालिस्तानी बोलने पर लोगों के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जहां विकिपीडिया ने हर्षदीप सिंह के साथ खालिस्तानी शब्द को जोड़ दिया और जिसके कारण क्रिकेट जगत में बवाल पैदा हो गया। और इसी सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़कते हुए बयान जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी लोग इस खिलाड़ी को खालिस्तानी बोल रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि किसी भी खिलाड़ी के बेकार प्रदर्शन करने से आप उनको खालिस्तानी नहीं बोल सकते हैं और ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि खालिस्तानी शब्द भारत के विरोध में यूज किया जाता है। ऐसे में हर्षदीप सिंह सिर्फ एक मुकाबले में नहीं चले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बुरी तरीके से परेशान करेंगे और आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएंगे। और ऐसा करने वालों के लिए मेरी सलाह ये है कि पहले आप सोच समझकर विचार करें कि मुकाबले में हर्षदीप सिंह ने ही बेकार प्रदर्शन किया था या फिर ज्यादातर खिलाड़ियों ने बेकार प्रदर्शन किया था। लेकिन आपने जिस तरह हर्षदीप सिंह को पकड़ लिया है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा गलत है और इसके लिए मैं खुद हैरान हूँ और मुझे कभी कभी दुख होता है कि मैं ऐसे देश का प्रधानमंत्री हूं जहां किसी भी व्यक्ति को एक गलती के ऊपर उसकी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। तो वहीं विकिपीडिया ने खालिस्तानी शब्द और हर्षदीप सिंह के साथ जुड़ा है, जिसके कारण विकिपीडिया के अफसरों को हमारी तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हर्षदीप सिंह को खालिस्तानी बोलने पर कार्यवाही होनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।